हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए, नहा कर आई थी ना, तो बस हाथ ऐसे हो गए, एकदम से रुके सूखे हो गए, जैसे कोई जान ही नहीं है हाथ में। क्योंकि ना अभी हवा चल रही है और बदल भी हो रहे हैं ना, तो ये हवा चलने से हाथ पैर ऐसे हो गए हैं ना बिल्कुल एकदम से। तो बस लोशन लगा रही हूँ, और यहाँ पर भावना भी है, तो बस वो कुछ कर रही है उधर, तो मैं उससे बातचीत करती जा रही हूँ। और थोड़ी देर है ना धूप में बैठी थी, तो बस धूप में बैठे बैठे मुझे याद आया कि लाओ अब चोटी कर लेती हूँ। क्योंकि नहाई थी ना सुबह, तो जब से चोटी ही नहीं की थी, तो बस अभी चोटी भी करना है, और फिर बच्चों को लेने भी जाना है मुझे स्कूल, तो इसलिए बस चोटी बांध रही हूँ अभी। और यहाँ पर धूप में है ना अच्छा लग रहा है। तो अभी 2-4 दिन से तो थोड़ी गर्मी लगने लग गई थी, लेकिन आज फिर से ठंडी लग रही है हमारे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे ये भावना याद कर रही थी, तो उसकी कॉपी बुक मांग रही थी मेरे से, तो बस वो बुक दे रही थी। तो उसमें मुझे मैंने बोला ये क्या है, तो वो बोल रही थी मम्मी ये ना परीक्षा हुई थी ना जब का है, तो ये रिजल्ट है। तो बस वही देख रही थी मैं। और यहाँ पर देखिए फिर से छत पर आ गई हूँ। तो अभी छत पर आई हूँ ना, तो शाम का टाइम है और दिन अस्त हो रहा है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम, दिन अस्त हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है छत पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो बस थोड़ी सी छत पे रुक गई थी मैं, कपड़े लेने के लिए आई थी। ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, बस इसके पापा के और मेरे धुले थे कपड़े, तो वही लेने आई थी। तो बस थोड़ी सी रुक गई थी छत पे, और चलिए अब चलते हैं नीचे। तो नीचे चलकर खाना बनाते हैं, तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना ये ले लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो ये देखिए, ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, बस हम दोनों के ही धुले थे। यहाँ पे नीचे आई ना, तो देवान देखिए इसका टिफ़िन खोल के खुद खाना खाने लग गया है। मैं बोल रही थी कि ये स्कूल में नहीं खाया, तो बोल रहा था नहीं मम्मी स्कूल में नहीं खाया। तो इसका बस यही चलता है, स्कूल में कुछ भी खाना देते हो ना, तो बस खा कर नहीं आता है, बचा कर ले आता है और फिर घर पे बैठ कर खाता है। और यहाँ पर देखिए गराड़ू कितना बड़ा है, तो बस ये हस्बैंड जी के काम है। आप देख लीजिए इतना, मतलब गराड़ू ले कर आए थे ना, तो उसमें 2 गराड़ू इतने बड़े बड़े आ गए थे ना। अभी इससे बड़ा एक और रखा है, तो वो थोड़ा इससे भी बड़ा है, तो वो हमसे नहीं खाया जाएगा। और ये थोड़ा छोटा वाला था ना, तो बस ये कट कर रही हूँ अभी। तो अभी भाई अभी खाना तो कुछ बनेगा नहीं, रोटी सब्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ही फुल हो जाएंगे फेट हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा गराड़ू है ये। तो बस अभी फ़ोन आया था उनका कि गराड़ू की सब्ज़ी बना लेना, तो बस वही बना रही हूँ। तो सब्जी तो नहीं बना रही हूँ, बस गराड़ू फ्राई करूँगी। तो ये देखिए छिल रही हूँ यहाँ पे, और ये ना मुझसे संभल ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत तो मतलब भारी है, तो बस गीला वजन है ना इसका, तो बस वही बहुत भारी है ये। तो बस मैं जैसे तैसे छिल रही हूँ, और आपको तो पता है गराड़ू कितना का ये होता है छिलने में। तो बस मैंने छिल लिए थे, छिलने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए तेल में डाल दिया, तो बस गराड़ू फ्राई हो रहे हैं अभी। और जब भी गराड़ू फ्राई करते हैं ना हमारे यहाँ पे, जब खाना नहीं बनाते बस पेट भर भर के ये गराड़ू ही खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार के मैंने तल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, और दूसरी बार के फिर से डाल दिए हैं, तो बस ये भी फ्राई हो जाएंगे। और अभी थोड़े से और थाली में रखे हुए हैं, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं गराड़ू। और देखिए हमने गराड़ू खा लिए थे, उसके बाद जा रही हूँ अभी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बस खाना पीना हो गया है, खाना पीना करने के बाद बर्तन साफ़ करने के लिए जा रही हूँ। अब बर्तन साफ़ करने जाऊंगी ना, तो फिर से स्वेटर खोलनी पड़ेगी, और मुझे ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही स्वेटर खोलने की, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही ना। तो ये देखिए स्वेटर खोल के, क्योंकि उसकी अस्थी नहीं ना ऊँची नहीं होती, फिर गीली हो जाती है वो, तो बस इसीलिए वही दिक्कत आती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय बाय।